मैंने इनइक्वालिटी चालू कर दी थी, याद है आपको? इनइक्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ, इनइक्वालिटी दो चैप्टर में हम लोग पूरी करते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस एक तो यहाँ करते ही करते हैं, और एक मतलब यूं समझिए उसका 10% हिस्सा हम लोग रोल्स एंड लेग्रांज से भी निकालते हैं। वो रेयर है, अपनी शीट में ही है, मैंने पहली बार ही देखा उसको रोल्स और लेग्रांज। इससे पहले हमने अपने टाइम में 12th में देखा था, है ना, उसके उसमें भी एक क्वेश्चन था, मतलब वो मतलब बहुत रेयर है। लेकिन इनइक्वालिटी का जो सबसे बेस्ट रास्ता होता है ना, वो अपने आप में कौन सा होता है? वो अपने आप में एक ही होता है। कौन सा? जो मैंने कल सिखाया था आपको। एक बार जरा दोबारा से मेरी बात रख दूं, जैसे मान लो मेरे को पक्का करना है x बड़ा है साइन x है, ये श्योर है या नहीं है, और किसी ने दे रखा है x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 में, राइट है? तो मैंने बताया था जो भी दो फंक्शन जिनके इनइक्वालिटी दे रखी हो उनका डिफरेंस ले लो आप। जैसे आपने x माइनस साइन x ले लिया, सपोज इनका डिफरेंस ले लिया x माइनस साइन x, आप क्या करो, आपका एस बेस x निकालो। जैसे ही एस बेस x निकालोगे 1 माइनस cos x हो जाएगा, 1 माइनस cos x का मतलब 2 cos square x by 2 होता है, याद है आपको? और ये अपने आप में पॉजिटिव भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ या ना? आपको बदल गया, एस बेस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जिसमें 0 दे वो तो इंस्टेंट पे है, किसी किसी मौके पे आएगा 0, वरना तो 0 आता ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आपको ये पता लग गया कि फंक्शन एच एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आपको पता है 0 से पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग है, तो आप एक नकली ग्राफ बनाओगे एक इंक्रीजिंग फंक्शन का। आपको पता है ये वाली वैल्यू एच 0 है और ये वाली वैल्यू एच पाई बाय 2 है, राइट है भाई? और बीच की कोई भी वैल्यू एच एक्स है। आप खुलेआम सबको चिल्ला चिल्ला के तो भाई एच एक्स जो है वो अपना एच 0 से बड़ा है, राइट है भाई? और एच एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस साइन एक्स है। तो यहां पे जब 0 रखोगे तो 0 माइनस साइन 0 माने 0 हो जाएगा। तो आपको पता है ये आप जिस दिन उधर उचका दोगे तो x इज ग्रेटर देन साइन x प्रूफ हो गया, माने जो गिवन था वो सही था, ठीक है ना भाई? ये अपनी यहां तक की बात हो गई थी। हाँ नहीं नहीं, पहली बात ये समझ में आ गया ना? हाँ, खेल नहीं खेलना जो ना, तू मेरे को दूसरी तरफ लेके मत जा, मैं जाऊंगा ही नहीं, ना बात ही नहीं करनी मेरे। हाँ मेरे को बात, मेरी बात खत्म हुई नहीं उससे पहले मेरे को तू दूसरी साइड ले जाएगा, नहीं मेरे को कल वाली बात खत्म करने दो, है ना? अच्छा कल हमने क्या बात करी थी? कॉस की बात करी थी। हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे इफ ये हमारे को ये बदल गया एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स, ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूं, इस पर अप्लाई करता हूं कॉस को। अगर मैं कॉस अप्लाई करूंगा ना तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा और ये कॉस साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन कॉस अपने हमें डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाय 2 में। आपने से कई बच्चों को बताओ 0 से पाई बाय 2 में उसका ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, दिख रहा है आपको ऐसा ग्राफ होता है? तो डिक्रीजिंग फंक्शन की अप्लाई होते क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो मेरी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, साइन इनवर्स में क्या होगा, है ना? हाँ भाई आप दूसरी तरफ देखो जरा, आप दूसरी तरफ से मैं एक और काम करता हूं। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं ना, अब मैं लिख रहा हूं एक्स की जगह कॉस एक्स, एक्स की जगह कॉस एक्स रखने पर क्या होगा? ना ना ना, एक्स की जगह कॉस एक्स रख रहा हूं मैं, अब की बार कॉस अप्लाई नहीं कर रहा, मैं एक्स की जगह कॉस एक्स रख रहा हूं। मैं आपको ये बताते हुए रख रहा हूं कि मैं कोई फंक्शन नहीं रख रहा, मैं यही सोचना एक्स की जगह कॉस एक्स रख रहा हूं और 0 से पाई बाय 2 में कॉस एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, हाँ या ना? माने किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को अंदर रखने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है या नहीं होता? किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को रखने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई असर नहीं होता, हाँ या ना? तो मैं जब कॉस एक्स रखूंगा एक्स के जगह पे, एक्स की जगह ऊपर नहीं रख रहा, इनइक्वालिटी में अप्लाई नहीं करा, एक्स की जगह रख रहा हूं, तो जैसे मैं रखूंगा ना तो पॉजिटिव क्वांटिटी और साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं है कहानी पकड़ में? अगर जैसे मैं रखना चाहूं एक्स स्क्वायर तो साइन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज लेस देन एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को एक्स की जगह रखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना? तो मैंने जब ये रखा तो कॉस साइन कॉस एक्स इज लेस देन कॉस एक्स आया, और कॉस एक्स इज लेस देन इसके, कॉस एक्स इससे छोटा है और ये खुद कॉस एक्स से छोटा है, इसका मतलब मैं दोनों से देख के कह सकता हूं कि इन दोनों में बड़ा कौन, कॉस साइन एक्स इज ग्रेटर देन साइन कॉस एक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अच्छा एक बार तो इनइक्वालिटी पर कॉस अप्लाई किया और एक बार एक्स की जगह कॉस एक्स रखा, दोनों बातों में बहुत फर्क है, नहीं? मैंने आपको बोला था ना कल, मैंने आपको पहले बोल दिया था हनीमून पीरियड ओवर है, मतलब अब जो आप सुनोगे ना, जो आप पूरे लेक्चर में आज सुबह से शाम तक सुनोगे वो आपके लिए मतलब अलग ही एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? जिसमें मैंने खुद ने अपनी तरफ से पिछले 4 साल के IIT के पेपर पे मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि
हर बार मैं फील कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा और देखना मिलाऊंगा मैं आपको कि यार ये मेरी थॉट एकदम सही जा रही है। वो लोग किसी एक हिस्से पे पागल हो रहे हैं और अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ रही है। आई विल शो यू। अभी तो ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? चलो आगे चलते हैं, है ना। अच्छा तब तक दूसरा क्वेश्चन भी देख लो। क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस एक्स इन टू में कितना, एल एन एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां बाजू में दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो कह रहा है चेक करो आप ये सही है गलत है, राइट है। अगर अगला ये पूछता है कि ये वाली बात सत्य है या सत्य है, मस्त मजेदार चीज है, आप सोच रहे हो ऊपर की चीजें चलने वाली हैं बाप के लिए, तैयार? हाँ या ना? मैं आपको बाजी कहीं नहीं देने वाला, बस आप तो जितना मेरे को खेलते हो देख लो आप, आपको समझ भी पड़ी कि नहीं पड़ी। कितने लोगों को पता है कि ये इनइक्वालिटी का गेम है, और मैंने बताया था इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस एच एक्स मानते हैं, दोनों के डिफरेंस को एच एक्स मानते हैं। अब आप में से कितने लोगों को ये पता चल गया कि डिफरेंस का मतलब ये माइनस ये भी होता है और ये माइनस ये भी होता है। पिछली बार आपने गौर किया होगा मैंने साइन एक्स माइनस एक्स लेकर के कल प्रूव किया था, तब भी ये आंसर आया था, और आज मैंने एक्स माइनस साइन एक्स लेकर प्रूव करके दिखा दिया तब भी ये आंसर आया, नहीं आई बात पकड़ में। तो डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है, एक्स माइनस साइन एक्स भी डिफरेंस है और साइन एक्स माइनस एक्स भी डिफरेंस है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोल लो सही है, सही है। बोलो सही है, सही है। हाँ यार कल सो गए हो यार, अब धीरे धीरे जग जाओगे। हाँ भाई कितने लोगों को ये पकड़ में आ गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू में एल एन एक्स प्लस रूट ओवर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या मुझे तगड़े है ना डिफ्रेंशिएशन करने वाले बच्चों की जिनकी याददाश्त सुपर्ब है, क्योंकि हर चीज मैंने अपनी कॉपी में टांगी है, ठीक है, उनको उनकी जरूरत है। वन का डिफ्रेंशिएशन या यू डॉट भी लगा एक्स, इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन ये कर दू तो मैंने अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर खत्म। नहीं बस हो गया, इसका डिफरेंशिएशन एल एन इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना सही होता है 1 अपॉन इतना प्लस अगली बार कितना हो जाएगा एल एन एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर चुपचाप, और एक्स का डेरिवेटिव 1 तो उसे क्या दिखाना, माइनस में इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x 2 कट गया। हाँ भाई कितने लोगों को लगता है ये और ये भी कट गया कि नहीं कट गया? आप में से कितने लोगों को अभी भी ध्यान है कि x कैसा है, 0 से बड़ा, हाँ है ना? कोई भी एक नंबर सोचो आंखों में, 0 से बड़ा कोई भी नंबर जो आपको पसंद है, एक रखो देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, रखो ना एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, दो रखो, चलो दो रखो, 2 प्लस रूट 5 पॉजिटिव आया कि नहीं आया, हाँ या ना? कितने लोगों को पता है कि लॉग 1 कब देता है, कब से देना चालू कर देता है, लॉग 1 देता है ई पे, अरे एल एन ई 1 होता है, हाँ या ना? और 0 कब देता है, जब अंदर 1 होता है। ये 1 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी चढ़ेगी, 0, हाँ या ना? माने जिस दिन x की वैल्यू 0 चढ़ेगी तब ये 0 होगा, और 0 से आगे जाते ही ये 0 से बड़ा आंसर देना चालू हो गया, माने कैसा है, पॉजिटिव, हाँ या ना? तो इट इज पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब एफ डेस एक्स पॉजिटिव है, एफ डेस एक्स पॉजिटिव माने एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0। तो हर एक जने को पता चल गया फंक्शन जैसा निकल गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर इंक्रीजिंग तो नकली ग्राफ इंक्रीजिंग का दिखाऊं, हाँ या ना? और वो भी कहां से कहां तक, देखो 0 से बड़े में, 0 से बड़े माने 0 से इनफिनिट में हर जगह इंक्रीजिंग है। अगर हर जगह इंक्रीजिंग है तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 पे वैल्यू क्या कहलाएगी, एफ ऑफ 0, और बीच की कोई भी वैल्यू क्या कहलाएगी, एफ ऑफ एक्स। तो दुनिया को चला के क्या कहूं कि एफ एक्स कैसा है, एफ 0 से बड़ा है, हाँ या ना? और एफ एक्स किसको माना था, ये पूरी पार्टी को, 1 प्लस एक्स एल एन ब्रैकेट के अंदर कितना अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माना था कि नहीं माना था? अब आप मेरे को तो इधर एफ 0 माने एक्स की जगह कितना रखूं, 0, यहां एक्स की जगह 0 रखते पूरा 0, हाँ या ना? और यहां एक्स की जगह 0 रखते 1, तो इट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो इट इज 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 तो मैं कह सकता हूं प्लस एल एन जो कुछ भी लिखा वो इज ग्रेटर देन रूट ओवर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं ये बात पकड़ में आ गया या नहीं आया, हाँ या ना? तो अपन कह सकते हैं ऐसा, है ना? एक और क्वेश्चन करा दो फिर पैरेलली कॉपी कर लेना, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है? ये चिल्लर क्वेश्चन है लेकिन क्योंकि आपने कभी इस तरह की बातें सुनी नहीं है ना, ठीक है, इसलिए थोड़ा अजीब लगेगा। प्रूव दैट
tan x2 upon tan x1 is greater than x1 upon x2. हाँ भाई, हर बार देखिएगा, मुझे ये प्रूव करना है तो किसी इंटरवल में प्रूव करना है, मेरे को कुछ भी प्रूव करना है तो किसी इंटरवल में प्रूव करना है, ये प्रूव करना था जीरो से पाई बाय टू में प्रूव करना था, ये प्रूव करना है तो इस इंटरवल में प्रूव करना है। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ गई? हाँ या ना? अब एक यूनिक चीज ध्यान से देखिएगा, कितने लोगों को इसको देख करके कितने लोगों को इसको देख करके ये डिसाइड करने में आसानी होती है कि आज के दिन फंक्शन जो है डिफरेंस ऑफ फंक्शन नहीं होगा। ध्यान से देखना, इधर मैं लूंगा कि माना एच एक्स इज इक्वल टू में एक्स टेन एक्स, क्लिक करा आपको, देखो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स टू टेन एक्स टू बड़ा है एक्स वन टेन एक्स वन से, तो मैंने फंक्शन इस बार किसको माना, एक्स टेन एक्स को। देखो कैसे मैंने आपको एक नई चीज छोटी सी चीज सिखाई, हर बार 90% केसेस में ये यूज होगा, कोई 10% केसेस में हम लोग ये यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ हाँ, अभी तेरे को ये बात बाद में समझ में आएगी, लास्ट स्टेप पे तेरे को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फंक्शन समझ में आ गया, अब मुझे क्या करना है, एस डैश एक्स निकालना है। अब बताओ तो जल्दी से कितना एक्स, बहुत जल्दी से सोचो, सेक स्क्वायर एक्स, फिर कितना टेन एक्स। अब आप में से कितना बताया कि ये पूरा एक्स वन एक्स टू जीरो से पाई बाय टू में देख रहा हूं, बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन एक्स कैसा, सेक स्क्वायर एक्स कैसा, एक्स कैसा पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव माने ग्रेटर देन जीरो, माने एच एक्स कैसा इंक्रीजिंग, तो नकली ग्राफ इंक्रीजिंग का बनाऊ, कहां से कहां में बनाऊ, जीरो से पाई बाय टू में, एक नकली ग्राफ बनाया इंक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग के बीच वाला, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, एच जीरो, बीच का हिस्सा एच एक्स, और ये वाला हिस्सा एच पाई बाय टू। समझना भाई, अब मैं कहता हूं कि जैसा हर बार कहता आया हूं कि एच एक्स अपने आप में बड़ा है किससे, एच जीरो से, मान लो दोनों सही नहीं बड़ा छोटा कह दूंगा, उल्टा भी पटक सकता हूं मैं खेल को, है ना भाई, तो एच एक्स माने कितना, एक्स टेन एक्स कर दू इज ग्रेटर देन एच जीरो, एच जीरो माने एक्स की जगह जीरो, जीरो ही हो गया ना। अच्छा तो एक्स टेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है ना, लेकिन इससे मेरा ये काम प्रूव हुआ, हाँ नहीं हुआ, इससे ही काम प्रूव हुआ, नहीं हुआ ना, तो गलती है, क्या गलती है, क्यों, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, जो प्रूव करना था वो वाला हिस्सा दोबारा दिखाता हूं, देखो रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जीरो से पाई बाय टू में कोई भी दो पॉइंट, कोई दो पॉइंट कौन कौन, एक्स वन और एक्स टू, एक मिनट कौन छोटा है, एक्स वन पहले पड़ेगा, एक्स टू बाद में पड़ेगा, तो एक्स वन के कारण मिलने वाला एच एक्स वन यहां होगा और एच एक्स टू कहां होगा, यहां कहीं होगा, हाँ या ना, तो अब की बार बताओ कौन छोटा कौन बड़ा, एच एक्स वन छोटा है एच एक्स टू से, हाँ या ना, तो इसके कारण एक्स टेन एक्स वन, एक्स वन टेन एक्स वन छोटा पड़ेगा एक्स टू टेन एक्स टू से, श्योर है क्या भाई, तो इसका मतलब क्या बोलू, टेन एक्स टू अपॉन में कितना, टेन एक्स वन इज कितना लेस देन ग्रेटर देन एक्स वन अपॉन एक्स टू, भाई ये लिखा ना, हाँ या ना, प्रूव हो गया, क्या वो कहानी पकड़ भाई, इससे ये प्रूफ होता है कि डिफरेंस भी अकेला खेल नहीं है, एक्स वन एक्स टू के इसमें क्रॉस मार के भी खेला था, क्या ऊपर लिख रखा है एक्स वन छोटा है, क्या लेंगे एक्स, हाँ वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते फील आ जाती है, हाँ देखें क्या ले सकते थे, एक्स टेन एक्स की वजह से तो सारा खेल हुआ, मैं ये जो पुट करा एक्स टेन एक्स में नहीं तो पुट करा है, और किसने पुट करा है, कौन सा, हाँ सब जगह बैठता है, बताऊं कैसे, इसके बाद में अगला क्वेश्चन हो सकता है एक्स अपॉन टेन एक्स इज लेस देन साइन एक्स अपॉन एक्स, तो कितने लोगों को लगता है कि फंक्शन क्या होगा, बोलो ना, इसको देख के क्या लगता है फंक्शन क्या होगा, साइन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं है बिल्कुल, प्रूव करने में क्या तकलीफ है, बहुत मस्त प्रूव होगा, ये तो इनइक्वालिटी की शुरुआत है, एक आधी क्वेश्चन कराने से थोड़ी ना होगा, शीट में 25 क्वेश्चन है, हाँ आपको धीरे 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 चालू करेगा, हाँ भाई एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है इसलिए इसको करना जरूरी पड़ जाता है, क्वेश्चन वाला कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, ठीक है ना, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर देन प्रूव दैट 27 ए बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 सी क्यूब,
ग्रेटर देन इक्वल टू है ना वो। हाँ भाई चलो आगे, इसमें दिमाग लगाएं है ना। विकेश करें बात, कल तेने जीरो मशीन फिर वही लिया आखिर का, कितने दिन तक रुपए बचाता आखिर का। आए आए हाँ भाई आ जाओ। कितने लोगों को ये पता चलता है कि इसमें फंक्शन एच एक्स इक्वल टू क्या मानूंगा, बोल दो क्या जाता है, बोल दो। एक भी बच्चा नहीं बोलेगा क्या, माइनस क्या सी आया, फिर क्या करूंगा जल्दी बोलो, एच एक्स निकालूंगा क्या निकलेगा, माइनस में क्या निकलेगा, इक्वल टू जीरो रख रहा हूं पहली बार। अब की बार मैं ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बड़ा जबरदस्त गेम है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई एक्स नहीं पुट करवा रहा मुझसे, वो इसी के कोफिशिएंट रहा है। देखना जरा यूनिक खेल है। अब जाओ आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा ये उधर जा चुके हैं। आप में से कई लोगों को एक्स क्यूब इज इक्वल टू में बी बाई टू ए दिख गया, अरे ये उधर चला गया, एक्स क्यूब इधर आ गया बी बाई टू ए दिख गया। तो आप में से कितने लोगों को बदल गया एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो बी बाई टू ए की होल पावर 1/3। हाँ है ना, इसका मतलब ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन, ये इनइक्वालिटी जो है इसका नहीं पता मुझे। अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो हमारे को ये प्रूव करना है, और अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी, होगी कि नहीं होगी, तो एक्स की इस वैल्यू के लिए भी ट्रू होगी। क्योंकि उसने थोड़ी ना कहा चेक करो, उसने थोड़ी ना कहा चेक करो तो मैं हर बार की तरह चेक करने चला जाऊंगा। इस बार तो उसने कहा ये है तो वो दिखा, तो मैंने कहा ये है तो ये होगा, और एक्स की ये दिख रही है मुझे, तो मैं पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू में बी अपॉन टू ए की होल पावर 1/3 इन इनइक्वालिटी। मैं इनइक्वालिटी में रख रहा हूं साहब, और अगर मैं इनइक्वालिटी में रख रहा हूं तो देखो जरा, इनइक्वालिटी में रखते ए एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माने बी बाई टू ए की होल पावर 2/3 प्लस में बी अपॉन में नीचे कितना बी बाई टू ए की होल पावर 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो ये कैलकुलेशन की वो जगह है जहां पे बच्चा दिमाग बढ़िया काम करता है। देखो ये बी बाई पावर 1 एलसीएम लिया, बी बाई टू ए की पावर 1 सोच लो आप, नहीं आया, अरे 1/3 और 1/3 मिलके 1 होता ना, 3/3 आया ना, तो कितना लिखूं बोलो, ए इंटू में बी बाई टू ए की पावर 1 लिख दूं, अच्छा और प्लस का बी की जगह प्लस का बी, और ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू में ब्रैकेट के अंदर कितना बी बाई टू ए की होल पावर 1/3 आने दो, ऐसे कट गया। कितने लोगों को दिख गया 3b/2 दिख गया क्या, पहले पूरा बोलो 3b/2 इज ग्रेटर देन कितना, बोलो ना सी इंटू में पूरे की पावर 1/3 1/3 हटाने के लिए कोई क्या करता, क्यूब करता, तो आप सीधे से कह दो 3b/2 का होल क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू c³/2a बोलो हाँ या ना, दिख रहा है क्या आपको। अब इसका क्यूब कितना होगा 27, बी का क्यूब दिखा अपॉन में नीचे 8 दिखा इज ग्रेटर देन सी क्यूब, कितना बी डिवाइड बाई टू ए दिख रहा होगा, बी से बी कम कर दूं क्या, तो कितने लोगों को लगता है क्या हो गया 27 बी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 4c³/a। हाँ यार इसको एक और इधर ले आऊं, हो गया क्या प्रूफ, हो गया फिर हाँ यार नहीं, वो x की वैल्यू निकाली है इस पूरे ग्राफ में, जहां पर एफ डेस एक्स जीरो होगा वो फंक्शन भी इस ग्राफ पे ही होगा कहीं ना कहीं। मैंने x की ऐसी वैल्यू निकाल के रख के दिखा दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, मैं आपको इसमें मजाक नहीं कर रहा, ठीक है, क्वेश्चंस माना जाता है, याद रखना प्लीज है ना। हाँ भाई यूज ऑफ इनइक्वालिटी मेथड इन डिसाइडिंग फंक्शंस इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक बिहेवियर मजा आ जाएगा आपको। किसी भी इनइक्वालिटी के मेथड का यूज करके देखना कि कोई फंक्शन अपने आप में मोनोटोनिक है
माने इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये कैसे पक्का करता है, क्या मेरे इसके लिए क्या यूज है, ठीक है। पहला पॉइंट, नॉर्मली यू बाई वी टाइप डिफरेंशिएशन में यूजफुल है, ठीक है। दूसरी बात, एक न्यूमरेटर इज इक्वल टू एच एक्स एंड यूज मेथड ऑफ इनइक्वालिटी, मेथड ऑफ इनइक्वालिटी। तो आपका न्यूमरेटर है ना, उसको एच एक्स मान लीजिए और आपका जो मेथड ऑफ इनइक्वालिटी वो यूज कर लीजिए, ठीक है। जो मैं आपको सिखा रहा हूं वैसा करिए, बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए, ठीक है। देन बस कुछ नहीं ना, सी एग्जांपल, एग्जांपल सिखा देता हूं। जहां भी क्वेश्चन भारी लगे ना, जहां भी क्वेश्चन भारी लगे आंखें बंद करके चिपका देना, आप अकेले ही वो क्वेश्चन कर पाओगे, गारंटी इस बात की। ये कहीं सरकारी नोट में नहीं है, ये अच्छे क्वेश्चन को देख करके मैंने एक अलग से सेक्शन बना दिया। और ये फर्स्ट टाइम ही बता रहा हूं, मैं भी फर्स्ट टाइम बता रहा हूं। मैंने पहले कैप्शन में नहीं बताया करता, किसी क्वेश्चन में बता दिया करता था, राइट है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है आईआईटी ने दिया था, ठीक है, उसमें क्या है वो सुनो आप। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, में ये आपको सिखाने वाले लेवल का क्वेश्चन है, एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहां दे रखा है एक्स बिलोंगिंग टू 0.1, ठीक है ना। अगला कहता है चेक इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कैसे पक्का करोगे, राइट है। तो आपको किसी को अगर दिख रहा हो तो कितने लोगों को यू बाई वी की फील आ गई, किसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप, यू बाई वी से करो। आपको पता चल गया आपने एफ डेस एक्स करा, या नीचे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर साइन एक्स सेकेंड, एक्स का वन माइनस में इसका कॉस एक्स, श्योर है। आपको यह तो पता ही होगा कि आपको जो इंटरवल दिया है वो 0 से 1 दिया है। तो आप में से कई बच्चों को जिनको थोड़ा सा भी उनका और अगर मैथ्स का इल्म थोड़ा ज्यादा बेहतर है तो उन्हें पता है ये 0 57 डिग्री है, आया ना, 0 57 डिग्री माने फर्स्ट क्वाड्रेंट है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स बढ़ा या एक्स कॉस एक्स बढ़ा हमें क्या पता, नीचे वाला तो पॉजिटिव है, आया ना, ऊपर वाला पॉजिटिव है नेगेटिव मैं क्या जानू यार, आया ना। और कहीं से कहीं तो पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव होगा तो फिर मैं फंस जाऊंगा, नहीं आएगा नहीं पकड़ में, है ना। तो ऐसी जगह पे जहां आपको लगे ना पॉजिटिव नेगेटिव फंस गया मैं, तो न्यूमरेटर को पूरे को डालो, क्या जा बेटा बाहर आ जा चल, ठीक है। एच एक्स इज इक्वल टू में अब आप स्टेप टू लगा रहे हो, बात समझ में आई आपको, आपने स्टेप टू लगाया, पूरे ऊपर वाले फंक्शन को क्या मान लिया, क्या माना एच एक्स, फिर क्या करना है एच डेस एक्स निकाल लो, एच डेस एक्स इज़ इक्वल टू क्या निकलेगा, कॉस एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, और माइनस के अंदर कॉस एक्स एक्स का वन। अरे नहीं आया समझ में, आप कहीं और थे, कोई तो नहीं थे कहीं, कितने लोगों को लगा ये और कट गया। अब आप बताओ 0 से 57 डिग्री माने फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 1 के बीच में एक्स कैसा, साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा पॉजिटिव, इसका मतलब एच डेस एक्स पॉजिटिव कह दूं। और अगर किसी का एच डेस एक्स पॉजिटिव माने फंक्शन एच एक्स कैसा हुआ, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हुआ तो 0 से 1 के दौरान इंक्रीजिंग है ना, तो बीच की किसी वैल्यू पे जो भी एच एक्स होगा वो एच जीरो से बड़ा होगा। तो मैं कह सकता हूं एच एक्स इज ग्रेटर देन कैसा, एच जीरो, एच एक्स बोले तो कौन, यही एक्स सॉरी साइन एक्स माइनस में एक्स कॉस एक्स इज ग्रेटर देन कितना, एच जीरो माने साइन जीरो, जीरो माया ना, जीरो कॉस जीरो, जीरो, तो पूरा 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा हुआ माने पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव। और अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव माने मैंने यहां पर पॉजिटिव लिखा, नहीं है पकड़ में, अरे जैसे ही पॉजिटिव हुआ ना मैंने यहां लगवाया पॉजिटिव, चल बेटा तू भी पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव वन पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब एफ डेस एक्स कैसा ग्रेटर देन जीरो माने फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग। तो मेरे को कैसे पता चलता वरना, या तो कहानी पकड़ में आ गई, हाँ ये बहुत बढ़िया तरीका है ना। अब मैं आपको बताता हूं इस पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन, आप सोच रहे हो ये है ना अपन जो भी कर रहे हैं ऐसा ही तुक्का मारने के लिए आईटी के लिए, नहीं अपनी शीट भरी पड़ी है। मैं अभी आते समय यही देख रहा था, मैंने कहा यार कौन सा क्वेश्चन है ना जहां मेरे को इतनी क्या जरूरत पड़ रही है, मैं एक क्वेश्चन बचा लेता हूं, आईटी में तो है ही लेकिन ऐसा शीट में भरा पड़ा, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा, बच्चा ढेर हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 2 कॉस एक्स, और जी एक्स इज इक्वल टू में अगला बंदा बोल रहे हैं
एक्स स्क्वायर अपॉन में 6x माइनस का 6 साइन x, वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहे हैं। हाँ भाई कितने लोगों, बस ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, कितने लोगों को डिफरेंशिएशन होगा u बाई v? अरे जल्दी जल्दी सोचो ना यार, तो नीचे क्या होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा, नीचे वाला तो पॉजिटिव पक्का है ना, ऊपर वाला अटक जाएगा, ऊपर वाला पक्का अटकेगा। अटकते ही आप क्या करोगे, वही एच एक्स वगैरह पूरा फंडा फुंडा लगा देना, न्यूमरेटर को उठा के बाहर लेना, उसके एक बार एच डी सेक्स निकालना, पक्का काटा कुटा होगा, फटाफट आपको डिसाइड हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात? हाँ, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये चीज ऐसा तुक्केबाजी नहीं है, सब बहुत सोची समझी साजिश है ना। एनीवे अब आप ये तो समझ ही गए है ना, अब मैं आगे चलता हूं, फिर से थोड़ा थोड़ा और मूव करता हूं फर्दर। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर राइट है, एंड जी एक्स इज इक्वल टू में अगले को दे रखा है कितना, एक से लेकर के एक्स तक, टू ब्रैकेट में टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन माइनस में एल एन टी और पूरे की मल्टीप्लाई में एफ टी डॉट डी टी राइट है फॉर एक्स बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिट। ठीक है भाई, वही पूछ रहा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, क्या है ये क्वेश्चन में? ठीक है, जी डेस एक्स, जी एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये पूछ रहा है वो। ठीक है ना, मैं इसको पूरा लिखता हूं, देन जी एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हाँ भाई क्वेश्चन देखते हैं, आप में से कई लोगों में तो मनी खुल गया होगा एकदम से, है ना, ये तो मैं ही करूंगा। यार आप आजकल ऐसे टॉर्चर वाली फील क्यों देते हो यार, क्या हो गया आप लोगों को? पैर, हाँ भाई ये इसकी फोटो देख ली क्या आप लोगों ने? हाँ यार ना, उसको देखते बच्चों को ऐसा लगता है यार ये क्या है ना, धीरे धीरे होश आना चालू होता है। जीएक्स का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर चाहते हैं, माने मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, जी डेस एक्स, जीएक्स के लिए एफ एक्स का क्या करूंगा मैं, है एफ डेस एक्स, जी डेस एक्स, जीएक्स का बिहेवियर जानना है तो क्या निकालूंगा, जी डेस एक्स। हाँ या ना, लेकिन जी एक्स तो ये इंटीग्रेशन में क्या करूंगा, अरे न्यूटन लेबनीज भूल गए क्या, वेरिएबल लिमिट है भूल गए, क्या करते हैं ऐसे में बताओ जरा, हर टी की जगह एक्स अपर लिमिट, टू ब्रैकेट में कितना एक्स माइनस वन अपॉन में नीचे कितना एक्स प्लस वन माइनस में कितना एल एन टी और मल्टीप्लाई में कितना एफ एक्स, लिख दो एल एन एक्स, श्योर है, और इंटू में कितना एफ एक्स, और फिर ये तो एक्स पुट किया फिर मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाइड बाई पहले फंक्शन में अपर लिमिट, फिर मल्टीप्लाइड बाई अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, वो कितना वन माइनस कांस्टेंट को देखते ही जीरो, याद आया? तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन पूरा। नहीं आया समझ में? दोबारा एक क्लिक कर गया, ये आपने कैसे किया, न्यूटन लेबनीज के हाथों करवाया, जो भी आपके पास ये आ गया, आ गया कि नहीं आया? अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि उन्होंने एफएक्स देखा है कभी, कहां देखा, ऊपर देखा? आपको बताएं कि ए स्क्वायर पॉजिटिव, साइन स्क्वायर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, इसका मतलब इतनी पार्टी पॉजिटिव, आगे वाली पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। अब क्या करूं, जिसका भरोसा नहीं है उसे, चलो आओ अब अपन ने एच एक्स मान लिया, एच एक्स इक्वल टू कितना, टू ब्रैकेट में कितना एक्स माइनस वन अपॉन में कितना एक्स प्लस वन माइनस में कितना एल एन एक्स, फिर क्या करूं बोल दो, एच डेस एक्स निकाल लेते हैं, आओ एच डेस एक्स निकालते हैं, टू ब्रैकेट में याद है ना, अरे क्या कर रहा हूं, नीचे यू बाई बी से होगा, बोलते जाओ क्या लिखूं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऊपर एक्स प्लस वन साइलेंट, हाँ भाई टू एक्स माइनस वन का टू में टू एक्स वन साइलेंट लिख भाई, और एक्स का वन है ना, और माइनस में एल एन वन अपॉन एक्स, आप जल्दी से फिर डिसाइड कर रहा हूं, टू एक्स टू एक्स कट गया, ये दो और ये प्लस का दो मिलके कितना हो गया, बोलना पड़ेगा चार, तो लिख दो भाई, फोर अपॉन में कितना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस में कितना वन अपॉन एक्स, ओवरऑल एक्स इंटू में कितना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये कितना बन गया फोर एक्स माइनस में कितना एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, अगला
ये बात समझ में आएगी आपको? अच्छा, माइनस कॉमन ले रहा हूं भाई लोगों। हाँ भाई, माइनस के कॉमन लेते हैं, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, क्या कहते हो आप लोग? और नीचे कितना बन गया? एक्स इंटू एक्स प्लस वन का बोलना पड़ेगा। माइनस में कितना? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक्स इंटू में कितना? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आओ बात करते हैं। हाँ भाई, ये पूरी x की कहानी जीएस के लिए कहां से चालू हुई थी? वन से इंफिनिटी के बीच में, माने सारा x कैसा है? एक से बड़ा। ध्यान रखना भाई, भूलना नहीं है, x एक से बड़ा दिया है, ठीक है, दिया है। अगर ये मैं अपनी कॉपी में लिखता ना, तो मैं लिख के देखता, आंखें फाड़ के देखना, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये है, ये कब दिया, ठीक है, फिर बाद में याद होता वहां दिया था, ठीक है। एक्स आंखें फाड़ के देखें, ठीक है। तो देखो जरा, एक भी ऐसी वैल्यू जो आपको एक से बड़ी याद है आज तक जिंदगी में, बोल दो आप। दो, चलो बोला। दो रखने पे पॉजिटिव, देखना जरा, दो रखने पे पॉजिटिव, दो रखने पे पॉजिटिव, नीचे दो रखने पॉजिटिव, ओवरऑल माइनस की वजह से नेगेटिव। तो क्या कहते हो? एक्स डैश एक्स नेगेटिव बोल दूं क्या? इसका मतलब एच एक्स कैसा? डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। कहां से कहां में बोलो जल्दी? एक से इन्फिनिट में, एक से इन्फिनिट, एक से इन्फिनिट में डिक्रीजिंग। क्या कहते हो आप? इसका मतलब बीच की किसी जगह का नाम एच एक्स, टॉप वैल्यू का नाम एच वन। हाँ या ना? तो मैं दुनिया को चिल्ला के कह दूं एच एक्स छोटू छे भाया। हाँ या ना? किससे? एच वन से। और एच एक्स कौन था? वो क्या लिखूं? टू एक्स माइनस वन अपॉन में कितना? एक्स प्लस वन माइनस में एल एन एक्स इज लेस देन। अब आया बच्चा, बच्चा बताएगा एक्स की जगह क्या डालूं? वन वन जीरो। तो ये जीरो माने पूरा कैसा आया? नेगेटिव या पॉजिटिव? ओके, ये पार्टी कैसी निकली? नेगेटिव 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 होते ये पूरा नेगेटिव। तो जी डेस एक्स, तो इसलिए क्या बोलूं? इसलिए जी डेस एक्स इज इक्वल टू में एक्स प्लस वन माइनस में एल एन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डेस एक्स, ठीक है, जिसमें ये वाली पार्टी एफ एक्स सॉरी है ना, ये वाली पार्टी नेगेटिव और ये वाली पार्टी पॉजिटिव। इसका मतलब पूरा जी डेस एक्स नेगेटिव। इसका मतलब जी एक्स डिक्रीजिंग इन वन टू इन्फिनिट। जी 2012। क्या आपको बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गया ना? अगले को पर बात करते हैं। आइए, क्वेश्चन है, अब मैं आपको दूसरी जगह लेके चल रहा हूं, ठीक है, एक्सक्लूसिवली है ना, ई की पावर एक्स की पावरफुल दुनिया, बहुत ही जबरदस्त खेल है साहब। अब ये क्या पता है ई की पावर एक्स? अरे यार, ये बहुत गंदा पंगा है, आपको भी पता नहीं। आन दो एंड डी पी एक्स अपॉन में डी एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देन वो कहता है प्रूव दैट पी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन वन। हां साहब, ऐसा दांव जो आप जिंदगी में नहीं सोच सकते। देखो, अगले ने कहा है कि ये इससे बड़ा है, पहले देख लेना आप, क्योंकि आप में से कई लोगों के सोचने से पहले आपकी दुनिया बदल जाएगी। देखो आप, ये देखा आपने, ये सरकार ने दिया, दिया सरकार ने, यहां तक किसी को कोई ऐतराज? जो भी है उसमें क्या ऐतराज, दे दिया सरकार ने। अब देखो जरा, ये डी पी एक्स अपॉन में नीचे dx लिख रहा हूं, ग्रेटर देन में वापस px लिख रहा हूं, और दोनों तरफ सोच समझ के e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले स्टेप पे आप में से कई लोगों को दिखने लग जाएगा। मैंने कहा ना आपकी दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली। देखो जरा, अपॉन में नीचे कितना dx माइनस के अंदर px इंटू में e की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, राइट है? अब जरा दिमाग लगाना, कितने लोगों को अब समझ में आएगा कि ये जो मैंने लिखा इट इज ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, वो आप बताने वाले ये किसका डेरिवेटिव है ये पूरा। एक बार देखो, एक बार ध्यान से देखना, पीएक्स
का डिफरेंशिएशन हो रहा है, e की पावर माइनस एक्स चुपचाप है, फिर पीएक्स चुपचाप है, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, तो आप में से कितने लोगों को लग गया ये पीएक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा था, हाँ या ना। और अगर डेरिवेटिव जीरो ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब वो फंक्शन पीएक्स इंटू में e की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, हाँ या ना। इंक्रीजिंग है तो किसके लिए, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, नहीं है। अरे आपको समझ में आया कि नहीं है, तो कहना है बोलो अब की बार में इसको एच एक्स मानूंगा कि बेटा तू एच एक्स बन जा, और तू कैसे है इंक्रीजिंग है किसके लिए, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माने तेरी तस्वीर अखबारों में छपेगी जीरो से लेके कहां तक, इन्फाइनाइट तक के लिए, आई बात समझ में। और तू इंक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब मैं दुनिया की नजरों में कह सकता हूं एच एक्स यहां है और इस पॉइंट पे क्या है, एच जीरो है कि नहीं है, हाँ या ना। तो आप में से कितने लोगों को फिर क्लिक करेगा कि एच एक्स इज ग्रेटर देन कैसा, एच एक्स इज ग्रेटर देन एच जीरो। एच एक्स कौन है भाई लोगों, पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन पी जीरो। पी जीरो कितने है, पी जीरो वन है क्या, आइला 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 आइला, नहीं 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 नहीं, देखो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है इट इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स इज ग्रेटर देन वन, टारगेट चेंज, क्या चेंज हुआ, जीरो की जगह वन घुस गया, इतनी सी बात, तो यहां पे भी जीरो की जगह वन घुस गया, यहां पे जीरो की जगह वन घुसते ही ये लग गया, और यहां पे कितना हो गया वन, आप बोलो जरा, वन रखते ही कितना हो गया पी वन इंटू ई की पावर माइनस वन, और पी वन की वैल्यू कितनी है जीरो, इसके कारण का मतलब ये है कि पी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जिसमें ई की पावर एक्स कैसी क्वांटिटी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, सुनना देखो अब जरा हिंदी में सुनना, ये पॉजिटिव की किसी से गुणा हुई, पॉजिटिव किसी से गुणा हुई और आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब पी एक्स कैसा है पॉजिटिव, इसका मतलब पी एक्स इज पॉजिटिव, क्या कहते हो बेटा, यानी बेटा पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन वन, क्लिक कर गया नहीं करा, आ जाओ आगे चलेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वरना ये भी मजेदार हुआ करते थे। अब आ जाओ इधर करें इस पे चर्चा, है ना, चलो आ जाओ इस पे चर्चा करते हैं। तो आप में से कई लोग जो है ना उनको बताओ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो, अरे देखो ये कितनी बातें करता, देखना फंक्शन एफ एक्स नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन है, आपको पता है पहली लाइन का मतलब, जो आपकी फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन आपको ये कहती है कि एफ एक्स पॉजिटिव है, पता है आपको ये बात, आपको पता है पहली लाइन ये कहती है फंक्शन पॉजिटिव है, बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, फंक्शन पॉजिटिव है, अच्छा दूसरी लाइन को समझना, आप में से किसी को बताओ कि एफ एक्स जो है वो आपको दे रखा जीरो से लेकर के एक्स तक एफ टी डॉट डी टी, बोलो सही बात है कि नहीं। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि सुनना एक्स आपको जीरो से बड़ा दिया है, एक्स जीरो से बड़ा होगा माने कोई पॉजिटिव होगा, अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव का जीरो से पॉजिटिव हिस्से में, पॉजिटिव माने एक्स से ऊपर ग्राफ है, पॉजिटिव होने का मतलब एक्स से ऊपर ग्राफ है,
तो जो एरिया आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, नया एरिया नेगेटिव कब होता है, जब एक्स एक्सिस के नीचे जाए, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव। कौन आई कि नहीं आई पकड़ में? अब एक और काम करता हूं, तीसरी चीज करता हूं, अब आपके सामने तीसरी चीज देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अभी अभी मैंने बोला था कि fx इज इक्वल टू में 0 से लेके कहां तक है xft.dt है ना भाई, तो आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं इसका f dash x कैसे निकालोगे सर आप, कौन से मेथड से? न्यूटन लेबनीज से। क्या करूंगा, फंक्शन में x की जगह t की जगह x और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और 0 को देख करके 0 हटा दूं, तो f dash x इज इक्वल टू कैसा आया fx, और fx खुद कैसा है पॉजिटिव, इसका अंदर एफ डेस एक्स कैसा हो गया पॉजिटिव, इसका अंदर एफ एक्स कैसा हो गया इंक्रीजिंग। काम है एक्स जीरो से बढ़े में, सही बात है क्या? क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है क्या? माने फंक्शन कैसा निकल गया इंक्रीजिंग, ऊपर की तीन लाइनों ने इतनी बकवास कर दी। अब आ जाओ नीचे चलते हैं, नीचे आपको पता है, अब आता हूं चौथी लाइन पे, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, इस जगह पे आपको दिख रहा है एफ एक्स अपने आप में कैसा दे रखा है, सी डॉट एफ एक्स दे रखा है कि नहीं दे रखा है, हाँ ना। अच्छा आप में से कितने लोगों को अभी अभी पता चला कि एफ एक्स के बराबर क्या है एफ डेस एक्स, तो मैं ये एफ एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, एफ डेस एक्स इज लेस देन कैसा सी डॉट एफ एक्स, बहुत ध्यान से देखना। अब अचानक से आपकी दुनिया बदलने वाली है, एफ डेस एक्स ठीक है ना इंटू में ई की पावर माइनस सी एक्स माइनस सी इंटू एफ एक्स इंटू में ई की पावर माइनस सी एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। आप में से कितने लोगों को पता चला, यही मैंने उधर रखा लेकिन उधर रखते समय चमत्कार कर दिया, दोनों के साथ किसकी गुणा कर दी ई की पावर माइनस सी एक्स की। अब देखते हैं सही या गलत, क्योंकि आप बताओगे कितने लोगों को लगता है किसी का डेरिवेटिव है। पहली बार क्या हुआ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, ये चुपचाप बैठा था, अगली बार एफ एक्स चुपचाप बैठा है, ई की पावर माइनस सी एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस सी एक्स और माइनस सी एक्स का माइनस सी लग गया। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है, हाँ या ना, इसका मतलब इट इज ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, क्या एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी एक्स, क्लिक कर गई आपको ये बात, एंड इट इज ऑल लेस देन जीरो। कितने लोगों को ये बात पता चले कि पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो, माने फंक्शन कैसा डिक्रीजिंग, कौन फंक्शन है बोलो बोलो फंक्शन है एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी एक्स कैसा डिक्रीजिंग फंक्शन, श्योर है? कहां से काम है, कहां से काम है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माने वही मन में ग्राफ आ गया, आया ना, गिरता हुआ या चढ़ता हुआ, जल्दी बोलो जल्दी, गिरता हुआ, एक नकली ग्राफ बना दूं, ये गिरता हुआ ग्राफ जीरो से लेकर के इंफिनिटी के बीच में गिरता हुआ ग्राफ, कितने लोगों को क्लिक कर गया एच जीरो इज है ना इज ग्रेटर देन कैसा एच एक्स, कर दूं एच एक्स इज लेस देन एच जीरो, कर दूं एच एक्स कौन है ये पूरा लिख दूं, तो मैं क्या लिख दूं एफ एक्स इंटू में कितना ई की पावर माइनस सी एक्स इज लेस देन, क्या लिखवा रहे हो बोलो बोलो बोलो, क्या एफ ऑफ जीरो इंटू ई की पावर जीरो, श्योर है? ये कितना बन गया जल्दी बोलना वन, अब आपके होश उड़ने वाले हैं क्योंकि आपको एफ जीरो नहीं दिया उसने, बोलो दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया लेकिन उसने दिया एफ जीरो नहीं दिया, सुनना मैं लिख रहा हूं एफ जीरो नहीं दिया, मैं लाऊंगा, कैसे लाऊंगा भाई सुनना, ऐसे लाऊंगा कि आपको दिया गया एफ एक्स, दिया कि नहीं दिया एफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक दी थी जीरो से लेकर के एक्स तक एफ टी डॉट डी टी दी थी कि नहीं दी थी, हाँ या ना, कितने लोगों को पता जीरो का मतलब एक्स की जगह जीरो रखना, एक्स की जगह जीरो रखते जीरो से जीरो और जीरो से जीरो में किसी भी चीज का इंटीग्रेशन जीरो, तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये पूरा कैसा है लेस देन जीरो, इसका मतलब मैं कह सकता हूं एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी एक्स इज लेस देन जीरो, जिसमें ये कैसी क्वांटिटी पॉजिटिव, और मेरे को अगर ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव हट गया, याद है कल बताया था मैंने पॉजिटिव इनइक्वालिटी में हिस्सा नहीं लेता, तो क्या फंस गया बताओ एफ एक्स इज लेस देन जीरो, तो मेरे को क्या प्रूव करना था, ओके और सुनो अब आई और खेल की बात, एफ एक्स लेस देन जीरो, अच्छा जीरो, एक मिनट एफ एक्स लेस देन जीरो, और यहां मैं बुलवा के चुका हूं एफ एक्स कैसा ग्रेटर देन जीरो, क्या आपको क्लिक करी बात है ना एफ एक्स लेस देन जीरो है ना लेस देन जीरो, बट नहीं एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू ले रहा हूं है ना एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, बट वी ऑलरेडी सेड, ऑलरेडी सेड क्या कह चुका हूं मैं ऑलरेडी कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मतलब ये कि इसको देख करके और इसको देख के दोनों कहां, सो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो,
और अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एफ एक्स खुद किसके बराबर था? इंटीग्रेशन के बराबर था। अरे हाँ या ना, एफ एक्स खुद इंटीग्रेशन के बराबर था। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट एफ टी डॉट डी टी इक्वल टू जीरो, हाँ या ना। तो अगर देखा जाए तो बस उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू निकालना, जीरो आ जाएगी, वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। अब इससे ज्यादा इसको खींचने की इच्छा नहीं है मेरी, कर लेना ट्राई, अब कर लोगे है ना। तो आपको क्या लग रहा है, क्या जेल प्रश्न है ना ये लास्ट मोमेंट पे? अब आप कर लेना, खोपड़ी आप लड़ाना। हाँ एक मिनट, हाँ फॉर ऑल वो पॉजिटिव के लिए, मतलब किसी नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं, सी को भी पॉजिटिव नहीं। तो यहां पर टका सकते थे ना, यहां पे आप अटका सकते थे, सी की वैल्यू जो है नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। कल को देखो, सी अगर कल को नेगेटिव हो गया तो कल को किसी सी के नीचे नीचे आ जाएगा। वो ऐसे ही अपनी तरह से बातों में घुमाने के लिए है ना, आईआईटी वाले जब भी क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो तकलीफ दे करते ही करते हैं। है ना, आ जाओ एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। आईआईटी 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का लिखिएगा। लेट फंक्शन इज बिलोंगिंग फ्रॉम 0 टू 1 टू आर, ठीक है ना, बी ए फंक्शन, ठीक है ना, विच इज ट्वाइस डिफरेंशियबल, विच इज ट्वाइस डिफरेंशियबल। F0 is equal to F1 is equal to 0, ठीक है ना, satisfies F double dash X minus में 2 F dash X plus FX is greater than equal to e की power X for each X belonging to 0 to 1. For each x belonging to 0 to 1. ठीक है, देन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इन्फिनिट। ऑप्शन बी है कि एफ एक्स इज इन बिटवीन 1 बाई टू एंड माइनस 1 बाई टू, राइट है। ऑप्शन सी है एफ एक्स इज लेस देन 1 ब्रेड ग्रेटर देन माइनस 1 बाई 4, एंड ऑप्शन डी है माइनस इन्फाइनेट टू एफ एक्स इज लेस देन 0। हाँ भाई, अनसेटिंग मोमेंट आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बस मैंने आपको जो मेरा टारगेट किया, मेरे को मैं आपके कोई मैन पैनिक थोड़ी ना क्रिएट करना है, एक ही क्या आप ये समझना चालू करें कि ये जो अपन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये जितने भी करे जा रहा हूं मैं, ये सिर्फ इसलिए कि ये जितनी कॉपी मैं आपके लिए तैयार करूं ना, आप दोबारा इसको रिवाइज करो किसी टाइम पे, किसी अच्छे मोमेंट पे। अच्छा समझना, क्वेश्चन क्या कहते हैं कि ये जो दिख रहा है आपको, ये लाइन है ना, गौर से देखना ये लाइन क्या है। ये सोचो हमारे को भी ऐसा कैसा मिलता है, हम लोग जरा उस टाइम पे ये अब जाके क्लिक करने लग गया, दो तीन बार जब हमारे एक्सीडेंट्स हुए तब हमारे को अब क्लिक करने लग गया लगभग हर दूसरे टीचर को कि बेटा हो ना हो ये वो ना हो, सही है कि ये e की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। हर दूसरी कहानी में आईटी e की पावर माइनस एक्स है, e की पावर माइनस एक्स। देखो ना, मैं आपके सामने तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आपको यह लगता है यही दिया है? तरीका देख लीजिए आप, आपको पता लगेगा कि जो प्लस माइनस प्लस चल रहे हैं ना, इस e की पावर माइनस एक्स की वजह से आने वाले चक्कर हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, मेरे को डाउट सिर्फ इस टू पे है, मैं ये टू सही कॉपी करके लाया हूं, ये गलत कॉपी करके लाया हूं। इफ इट इज अ रॉन्ग टू तो मेरा क्वेश्चन बहुत जल्दी बन गया। कैसे? इसको देख करके पता चलता है ये ट्वाइस डिफरेंशिएशन है किसी का, हाँ या ना। और मैं अपनी तरह से सपोज करता हूं, क्या सपोज कर रहा हूं कि कोई वो क्वेश्चन एक्स एंड दैट इज व्हाट, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स इन टू में e की पावर माइनस एक्स, ताकि आप में से कोई बच्चा मेरे को जीडे से खड़क से ने बता दे, बोल दो आज आप एफ एक्स, बोलो ना आप
की पावर माइनस एक्स, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस एन टू में कितना एफ डैश एक्स, क्या कॉमन बोलना पड़ेगा, ई की पावर आ गया ना भाई, लो भाई ई की पावर माइनस एक्स, दोबारा जी डबल डैश एक्स निकालो, बताओ क्या कहते हैं, और ई की पावर माइनस एक्स, चुपचाप इस पूरे का डिफरेंशिएशन बोल दो, आ जाओ माइनस एफ डैश एक्स और इसका डिफरेंशिएशन बोलो प्लस का एफ डैश एक्स, अगली बार क्या होगा बोलो, फिर ये सब चुपचाप आया एफ डैश एक्स और माइनस का एफ एक्स चुपचाप, श्योर है भाई, और ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, वापिस बोलो ई की पावर माइनस एक्स अगर मैंने कॉमन ले लिया तो आपको क्या लगता है एफ डबल डैश एक्स आगे आ जाएगा, हाँ या ना, एफ डैश एक्स कितनी बार हुआ, दो बार, तो माइनस का टू एफ डैश एक्स, ये प्लस का हो जाएगा, हाँ या ना, प्लस का एफ एक्स, यही बना कि नहीं बना, क्या आपको लगता है ये वही फंक्शन है कि नहीं है, हाँ या ना, इसका मतलब ये कि ये वाकई में डबल डेरिवेटिव, किसका किसका डबल डेरिवेटिव है, जीएक्स इज इक्वल टू में इसका, आपको ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई, लिख दो, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कहानी में इतना दूर तक उल्टा बूमरैंग जाना चाहिए, उल्टा सोचना है, ये खेल आसान नहीं है, एक्सपीरियंस है कि हाँ ये बार 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 मैं आपको जो छाप रहा हूं ना, इतना पसीने टपका रहे सिर्फ इसी बात के लिए कि आप में से कई लोगों का दिमाग चल रहा है, साला उल्टा सोचने की कोई बात हुई थी उस लेक्चर में, कैसा ई की पावर माइनस एक्स कोई कीड़ा है जो मेरे दिमाग में रहना चाहिए, है कि नहीं, ये सिर्फ ये समझ है ना, सभी लोग इस बात के लिए तैयार हो गए कि आपने भी देखा, ये जो भी देख रहे हैं, तो कहने मतलब ये कि सौ आपको ये क्लिक कर गया कि जी डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन वन, बोलो कितने लोगों को क्लिक करा, ये कहां से आ गया, क्लिक कर गया क्या, इस लाइन के बाद मेरे को ये लिखना सही है क्या, बोलना पड़ेगा आपको, सही है ना, अब आप में से कितने लोगों को पता है कि जी डबल डैश एक्स अगर एक से बड़ा, तो इसका कितने लोगों को ये पता है कि जी डबल डैश एक्स जीरो से बड़ा, आईला ये आपको क्लिक करा, कितने लोगों को पता है कि जी डबल डैश एक्स अगर जीरो से बड़ा तो किसी का सेकंड डेरिवेटिव उस कर्व की कॉनकेविटी को दर्शाता है, इसका मतलब ये कि जीएक्स इज कॉनकेव, आप जीएक्स के आप मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, कसम से बता रहा हूं कि आप में से कोई ये बात सोचता है कि अचानक से इतनी जल्दी सो सकता है, ठीक है, इसलिए बताने वाले हर बच्चे को मेरी तरफ से सटार, ठीक है, लो साहब है नहीं, जो जीएक्स इज कॉनकेव अप, कितने लोगों को पता है कि कॉनकेव अप होने का मतलब होता है ऊपर की तरफ, हाँ या ना, ऐसा अगर कॉनकेव अप है तो देखो जरा सोच के देखना ये बात, अब यूं सोचेगा मतलब पूरी कहानी में एक और चीज देखेगा, एफ जीरो और एफ वन की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब जीरो और वन का कोई खास महत्व होगा, ये ऐसा है, ये जीरो है एंड दिस पॉइंट इज वन, सुनना इसके बीच में फंक्शन इज कॉनकेव, आप में से कितने लोग मानते हैं कि अगर भाई दिवे एफ जीरो की वैल्यू जीरो है, तो सुनना एफ जीरो की वैल्यू जीरो है तो जी जीरो कितना होगा, जी जीरो इक्वल टू होगा एफ जीरो इंटू ई की पावर जीरो, हाँ या ना, और एफ जीरो की वैल्यू कितनी है जीरो, तो जी जीरो भी जीरो होगा, जी वन की वैल्यू कितनी होगी एफ वन इंटू ई की पावर माइनस वन, जीरो होगी या नहीं होगी, इसका मतलब ये कि जी जीरो का ग्राफ एकदम परफेक्ट है, श्योर है, अगर जी जीरो का ग्राफ परफेक्ट है तो आप में से कितने लोग अब ये मानते हैं इस ग्राफ को देखने के बाद में वो ये कहते हैं कि जीएक्स इज बिलो एक्स एक्सिस, जीएक्स जीरो से वन में एक्स एक्सिस के नीचे है, हाँ या ना, तो मैं लिख रहा हूं जीएक्स इज बिलो एक्स एक्सिस इन एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, जीरो से वन में, कोई ये बात तो रोक नहीं सकता, और अगर ये वाली बात सत्य है तो जो भी बिलो एक्स एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है, तो जीएक्स इज नेगेटिव इन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन, सही है क्या, और जीएक्स अगर एक्स एक्सिस जीरो मतलब एफ एक्स की पावर माइनस एक्स, तो मैं यहां पे लिख दूं एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज लेस देन जीरो इन एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, जीरो से वन, जिसमें ये वाली पार्टी पॉजिटिव भाग जाएगी, फंक्शन एफ एक्स इज नेगेटिव माने बिलो एक्स एक्सिस इन एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, जीरो से वन, तो एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन में फंक्शन कैसा हुआ, है ना, कैसा कैसा, तो कौन सा आंसर लिखूंगे, डी कहां से कहां तक लिखूं, जीरो से वन में, तो कौन सा आंसर लिखूं, ये वाला डी वाला, ये वाला श्योर है, हो सकता है श्योर, लिख लेता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई, आ जाओ, सही है, आप ये कुछ जिंदा करते यार, अपने आप ही बोल करके टकरा गए,
गंदा क्वेश्चन है। एक और दिमाग खराब हो जाएगा आपको। ये एक आधी क्वेश्चन जो बचेगा वो मैं बाद में करा दूंगा, अभी इस पर आ जाओ। आओ भाई, नॉर्मल जिंदगी लीड करते हैं, हंसती खेलती मुस्कुराती। आइए फाइंडिंग अननोन क्वांटिटी। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स, माइनस में दे रखा है ए साइन टू एक्स, माइनस का वन थर्ड साइन थ्री एक्स, प्लस में दे रखा है टू एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन कहता है फाइंड ए, ए की वैल्यू बताइए साहब इन्हें। शीट का नहीं है, शीट का बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं। मैंने ही करी है तो ये भी मैं ही कर लेता। आपको ये करना है कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका एफ डेस एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका एफ डेस एक्स निकाल दो बस। आप एक लाइन तो करनी है, कर दोगे? हो गया, हो गया, बस एक मिनट। देखिए किसका एफ डेस एक्स निकलता है, कितने लोगों का निकलता है। हां साहब, अब एक बात बताओ, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू में क्या निकला, कॉस एक्स, माइनस में टू ए कॉस टू एक्स, माइनस में वन थर्ड कॉस थ्री एक्स, सीधा लिख दूं कॉस थ्री एक्स, प्लस में टू ए, और ये कैसा है, ग्रेटर देन जीरो। श्योर है? अच्छा, ये भी बात पक्की हो गई कि कॉस एक्स माइनस में टू ए कॉस टू एक्स, ठीक है। कॉस टू एक्स को एक बार टच नहीं कर रहा मैं, जरूरत पड़ेगी तो इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, चाहेंगे तो ये भी कर सकते हैं कि टू ए कॉमन ले लूं। अच्छा, टू ए कॉमन ले लेता हूं। चलो बताओ, टू ए के कॉमन लेने पे क्या बचेगा, वन माइनस कॉस टू एक्स, वेरी गुड। कॉस थ्री एक्स को अगर आपने से किसी को इतराज नहीं हो तो माइनस का चार कॉस क्यूब एक्स और प्लस का तीन कॉस एक्स कर दूं क्या? Yes, इतना तो कर ही सकते हैं अपन लोग। Yes, अच्छा एक और बात बता दो, यहां से कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स, टू ए की जगह टू ए, ब्रैकेट में वन माइनस कॉस टू एक्स माने कितना, कितना, वन माइनस कॉस टू एक्स माने टू साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां टू साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूं, वेरी गुड। यहां तक भी बराबर जा रहे हो आप। अच्छा एक बात बता दो, पढ़ा रहे हूं, एक छोटा काम और हो सकता है कि इसमें फोर कॉस क्यूब एक्स और ये तीन कॉस एक्स और ये मिलकर के चार कॉस एक्स हो गया क्या? Yes, सोच लो जल्दी जल्दी। Yes, आइए ना। अच्छा, चार कॉस एक्स और चार कॉस क्यूब एक्स में कुछ कॉमन आता है क्या? हाँ, चार कॉस एक्स कॉमन आ गया। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप मेरे को एक लाइन पूरी दे रहो। चार कॉस एक्स के कॉमन आने के बाद क्या बचता उधर, चार कॉस एक्स अंदर क्या बचा विकेश, क्या बचा भाई, कितना, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहां लिख दो कितना, साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ये बचा भाई। आया ना, और अभी भी ये कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या कॉमन आ रहा है फिर से, अरे कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ चार साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर क्या बचा, कॉस एक्स प्लस, कॉस एक्स प्लस ए इज ग्रेटर देन जीरो। कितने लोगों को लगता है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो भाग गया। आया ना, तो रवाना क्या आ गया दुनिया में, ए प्लस कॉस एक्स कैसा, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ए की वैल्यू कैसी होगी, माइनस कॉस एक्स से बड़ी या छोटी, बड़ी। अच्छा कितने लोगों को पता है कि माइनस कॉस एक्स का ग्राफ आपने कभी कैसा होता है, कॉस एक्स का उल्टा, अगर आपको पता है तो कॉस एक्स का ग्राफ जो होता है उसका उल्टा ये ग्राफ होता है। हाँ या ना, ये किसका ग्राफ है, माइनस कॉस एक्स का, ए माइनस कॉस एक्स से बड़ा है। हाँ या ना, कोई कहता है मेरे पास तेरह से ज्यादा रुपया है, तो इसका मतलब ये कि उसके घर में जितना रुपया है उससे ज्यादा रुपया है, या उसके मतलब सॉरी मैं गलत एग्जांपल लिया है। हाँ भाई सीधा सीधा, ए अगर माइनस कॉस एक्स से बड़ा है तो कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू से बड़ा होगा या मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम, क्योंकि अगर उसके मैक्सिमम से बड़ा हुआ तो मिनिमम से तो वैसे ही बड़ा हो गया। तो मतलब इस माइनस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो ए इज ग्रेटर देन वन। आए ना, तो ए बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ गया, अब तो सिंपल है,
अरे अब तो स्मेल दे दो यार, उससे तो फार फार बेटर है, तो बहुत अच्छा है। अब भाई तीन बच्चों को स्मेल आई अभी भी आए हैं, अरे ये तो बहुत ही अच्छी वाली थी, पूरी एकदम दांत पूरे दिखा दिए, एकदम बढ़िया। हाँ भाई नहीं नहीं अब नहीं कराऊंगा यार, मैं आपका दिल क्यों दिखाऊंगा भला, अब मैं हल्के क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा क्या कहते हैं, नहीं यार मैं करा दूंगा, हल्के क्वेश्चन करा दूंगा बस, अब इसे दुखी मत हो बस। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन है फाइंड ए फॉर विच, फाइंड ए फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ए कॉस टू एक्स माइनस का साइन एक्स हैज एग्जैक्टली वन क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पर एफ डैश एक्स जीरो हो या डज नॉट एग्जिस्ट हो, अच्छा इन जीरो टू पाई, इन जीरो टू पाई, आओ एक ही वैल्यू बताइए जिसके लिए इसका ठीक एक क्रिटिकल पॉइंट हो। हाँ है ना, जिसके लिए इसका ठीक एक क्रिटिकल पॉइंट हो, करें बात इस पे, आइए डिफरेंशिएशन आप करोगे मैं करूं, कर लोगे क्या यार इसका, आप क्यों कर दो यार, इतना बड़ा हो जाएगा आपसे डिफरेंशिएट। जल्दी बोलो जल्दी, एफ डैश एक्स कितना निकला जल्दी बताना पड़ेगा आपको, ए कॉस टू एक्स का कितना माइनस ए साइन टू एक्स साइन इंटू टू, अच्छा ओके वेरी गुड, और साइन एक्स का कितना भाई लोगों माइनस कॉस एक्स, अच्छा एफ डैश एक्स ये निकला, क्रिटिकल पॉइंट होने पर क्या होता है एफ डैश एक्स जीरो, वेरी गुड आपको तो याद है यार, क्रिटिकल पॉइंट पर ये कितना जीरो, अच्छा क्या एक सेकंड ये माइनस का टू ए, माइनस का टू ए की जगह माइनस का फोर ए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दूं क्या, और माइनस का कॉस एक्स कर देते हैं, क्या कहता आप लोग, कुछ कॉमन आ जाएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्या कॉमन आएगा जल्दी बोलना पड़ेगा बस, माइनस कॉस एक्स, हाँ या ना अंदर ही अंदर के बताओ जल्दी बताओ, अरे बताओ 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 जल्दी बताओ, क्या बचा फोर ए साइन एक्स अंदर और क्या बचा प्लस वन इक्वल टू जीरो, कितने लोगों को पता है कि ये इंटू ये इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, या तो ये जीरो या ये जीरो, और अगर ये जीरो तो cos x इक्वल टू जीरो, cos x इक्वल टू जीरो माने x की वैल्यू बोलो जल्दी से बाई बाई टू, अरे कई बच्चों को नहीं पता तू मत बोला करो यार, cos x जीरो का पता क्या पता, इस साल थोड़ी ना पता चलेगा cos x जीरो का, x इज इक्वल टू पाई बाई टू, कहां से कहां के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया कितना, अरे एक क्रिटिकल पॉइंट कितना पाई बाई टू आ गया। दूसरी की बात करते हैं, अपने एक ही वैल्यू बतानी जिसके लिए ठीक है क्रिटिकल पॉइंट है ना, हमें से किसी को बुरा नहीं लगे तो फोर इज इक्वल टू में माइनस कॉस एक्स, अरे 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 ये क्या कर रहे हो सर, ये क्लिक कर गया क्या आपको, कितने लोगों को क्लिक कर गया, अच्छा कितने लोगों को माइनस कॉस एक्स का मतलब पता है, आप में से किसी को पता है माइनस कॉस एक्स का मतलब क्या होता है, मैं किसी के नहीं, अरे एक से ये जीरो है ये पाई है बोलो, हाँ या ना, जीरो तो पाई में साइन एक्स ही होता है, तो साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर होता है, तो माइनस कॉस एक्स कहाँ होगा नीचे होएगा, क्या कहता सही है क्या, अच्छा आप में से कितने लोगों को पता है कि ये फोर ए बराबर माइनस कॉस एक्स का मतलब होता है, ये फोर ए का मतलब कॉन्स्टेंट, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ किसी को पता है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन कैसे ऐसे वाली, अरे हाथ चल रहा क्यों, हाँ अगर बाई द वे सोचना जवाब देना, अगर फोर ए बराबर माइनस कॉसेक एक्स है तो जितनी जगह कटिंग होगी उतनी जगह पर फोर ए की वैल्यू माइनस कॉसेक एक्स के बराबर आएगी, हाँ या ना, लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट तो आ चुका है, एक क्रिटिकल पॉइंट तो आ चुका है और मुझे ठीक एक क्रिटिकल पॉइंट ही चाहिए, इसका मतलब मुझे इसके बराबर बैठना है या नहीं बैठना, नहीं बैठना, नहीं आई आपको मेरी बात पकड़ में, एक ही वो वैल्यू बताओ जहां पर ठीक एक क्रिटिकल पॉइंट आए और वो ये दे चुका, अब कहूंगा भाई तू अपनी दुकान बंद कर दे, तो मुझे बताइए कि फोर ए की वैल्यू कहां से लेना चालू करूं, फोर ए माइनस कॉसेक एक्स हो या ना हो, ना हो, क्योंकि अगर ये भी हो गया तो फोर ए कॉसेक एक्स के बराबर हो जाएगा, और अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये भी जीरो दे डालेगा,
और अगर ये जीरो डालेगा तो एक नहीं दो दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, जबकि मैं कितने क्रिटिकल पॉइंट की तलाश में हूं? एक। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आएगी या नहीं आई? यहां पहुंच करके ये बात का एहसास होता है कि भाई रोकना है, होने नहीं देना। तो रोने नहीं देने के लिए इसका मतलब मुझे कहां से ऊपर होना चाहिए? फोरे को ये बोलो, ये कौन सी जगह है? माइनस वन से ऊपर ले लू। अच्छा एक सेकेंड, एक बताओ, फोरे की वैल्यू माइनस वन लू या नहीं लू? बोलना पड़ेगा लू या नहीं लू। लेकिन मैंने तो ले ली पाई बाय टू बोलते ही, क्योंकि जैसे मैंने पाई बाय टू बोला होगा कॉसेक पाई बाय टू वन हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा। क्या आपको लगता है ये बात? हाँ या ना? तो पाई बाय टू इकलौता वो क्रिटिकल पॉइंट है जो इससे भी खुश कर रहा है और इसे भी खुश कर रहा है। माने मेरी वैल्यू को हमेशा कैसा होना पड़ेगा? किससे ऊपर? माइनस वन से ऊपर। क्लिक कर रही कि नहीं कर रही है बात? इसका मतलब फोर ए मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस वन। क्या मैं ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू ले लू? ले लू ना, क्योंकि इक्वल टू माइनस वन तो चलेगा भाई, इक्वल टू माइनस वन पे तो तैयार है कहीं। तो फोर ए ग्रेटर देन माइनस वन माने ए की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? माइनस वन बाई फोर से बड़ी। माने ए की वैल्यू कैसी? माइनस वन बाई फोर से इन्फाइनाइट तक। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? से खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है? छोटा लेकिन खतरनाक। क्लिक करा आपको? नहीं, दर्दनाक तो नहीं है ना? अच्छा है ना, सोफिस्टिकेटेड। हाँ भाई, तो लिख लेना फोर ए इज इक्वल टू माइनस वन ले सकते हैं, ठीक है ना? एज एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू पर फोर ए इज इक्वल टू माइनस वन है, ठीक है ना? एक्स इज इक्वल टू, ठीक है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फोर ए इज इक्वल टू माइनस कॉस कॉस एक्स नहीं होने देना, नहीं दो होने देना है। होने पर दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा जो कि नहीं चाहिए। क्लिक कर गया आपको बात? और ये भी लिख देना क्योंकि हाँ एक सेकंड, हाँ क्या टच करके जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि टच करने पर माइनस वन आता है और माइनस वन इस वैल्यू पर आ रहा है वो चलेगा। अगला क्वेश्चन ले लूं? नहीं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी ऐसे हल्का सा क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है साइन क्यूब एक्स माइनस का ए साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना? अगला कहता है फाइंड ए सो दैट एफ एक्स हैज नो क्रिटिकल पॉइंट इन पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री। बता दो, चलो ट्राई कर लो। क्या करना पड़ेगा? पहला काम एफ डेस एक्स, और फिर क्या करना पड़ेगा? पहले जीरो करना और फिर लास्ट में उससे जो आंसर है उसे हटा देना। उल्टा कर लो आप, एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो लेके आओ, उससे आंसर जो एक आएगा उसको लास्ट में रिमूव कर देना आर में से, और क्या सही है? देखें हम में से कितने लोगों का ट्रायल्स बैठ जाता है। फटाफट लगा लो, फटाफट ताकि चैप्टर खत्म हो जाए। अभी चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं बता, अपन ने 70% डाउनलोड मार दिया, लास्ट में बस ग्राफ ग्रुप बना मुनो के नक्की कर लेंगे। घटाघट करो, घटाघट। आप थकिए मत, आप ये मत सोचो ये बोरिंग है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपके लिए जरूरी है वरना मैं करवाता भी नहीं। करो आप विद योर फुल एनर्जी। देखें मिला है आपसे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएंगी, देखना आप। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू में कितना है आप 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का कॉस एक्स, माइनस का कितना 2a साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना कॉस एक्स। ये कह रहे हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं लाना, माने मैं पहले तो इक्वल टू जीरो रखूंगा, आ जाएगा कुछ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो मैं बेस्ट समझ रहा हूं कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लूं। क्या कहते हो आप लोग? 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन लेने पे एक फायदा ये हो जाएगा, इधर से सिर्फ a बचेगा, हाँ ना? इधर से 2 साइन एक्स कॉमन लेने पे यहां कितना रहेगा 3/2 साइन एक्स, है ना भाई? अच्छा सुना, 3/2 साइन एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। अरे मैंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लिया, क्या आपको बात समझ में आई? हाँ या ना? अच्छा देखो, अपने प्लानिंग कितने लोगों को पता है प्लानिंग क्या है?
क्रिटिकल पॉइंट है, मैं तो पहले ले रहा हूं क्रिटिकल पॉइंट होता तो, अगर क्रिटिकल पॉइंट होता तो एफ डेस एक्स कैसा होता? जीरो होता। अगर पहले तो ये मान के चल रहा हूं होता, और फिर लास्ट में क्या कर दूंगा, नहीं हो रहा, जो आंसर आ रहा है उस पर टल जाऊंगा मैं। लेकिन आपको पहले बता देता हूं आपके आपका एंगल कहां से कहां में चल रहा है, 30 से 60 डिग्री में। कान खोल के सुना, 30 से 60 डिग्री के दौरान किसी का साइन एक्स जीरो नहीं होता। अरे आपको ये बात पता है ना, ये जीरो नहीं है। अरे 30 से 60 में कब किसी का जीरो होता है? 30 से 60 डिग्री में ये भी जीरो नहीं होता भाई, है ना। तो कहने मतलब ये दोनों तो जीरो देने ही नहीं वाले, तो जीरो का लफड़ा कौन दे सकता है ये? क्या आपको बात पता चली कि नहीं चली? तो अपने को ये पता चल गया क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए, मैं पहले ये बात लिख रहा हूं है ना भाई, के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि ए इक्वल टू क्या निकल जाए, 3/2 साइन एक्स निकल जाए। क्या आपको मेरी बात क्लिक करी कि नहीं करी? अब आपको मेरे को यह बताना पड़ेगा कि आपका विजन कहां से काम है, 30 डिग्री से 60 डिग्री में, 30 डिग्री से 60 डिग्री में ये कहां से कहां आ सकता है ये बताओ आप। ऐसे कितने लोगों को बताएं कि 30 डिग्री से 60 डिग्री में, है ना, सोचा आपने कभी ग्राफ देखा है, ये 0 से 90 डिग्री है, ये 30 होता है यहाँ, ये 60 होता है, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, साइन एक्स इंक्रीजिंग है, हाँ यार। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, 1/2। तो आप बोल सकते हो कि 3 sin x 3/2 sin x की वैल्यू जो हुई, दैट बिलोंगिंग फ्रॉम 3/2 sin 30 टू से लेकर के 3/2 sin 60, हाँ या ना। इसका मतलब ये कि a की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है, a की वैल्यू बिलोंग कर रही है 3/4 से लेकर के 3√3/2 तक। क्या कहते हो आप लोग, जल्दी सोचो, हाँ या ना, क्या आपको बात समझ में आ गई? अगर बाय द वे a की वैल्यू इनमें से किसी में भी पड़ गई 4, अगर a की वैल्यू इनमें से किसी में भी पड़ गई तो ये जीरो लगा देगा, हाँ या ना। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट नहीं होने देने के लिए, है ना। तो आप में से कितने लोग पता है, सो फॉर नॉट फॉर नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट ए शुड बिलोंगिंग फ्रॉम -∞ to 3/4, हाँ या ना, ओपन नहीं क्लोज, यूनियन 3√3/4 से लेकर के कहां तक, इन्फाइनेट। क्या आपको बात पकड़ में आई मेरी या नहीं आई, हाँ या ना, आसान क्वेश्चन है। हाँ हेलो, हाँ भाई, वो क्योंकि 30 डिग्री ले नहीं रहे थे तो 30 डिग्री की वैल्यू तक तो जा ही सकते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन है, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रेशन में 1 से लेकर के e^2x, और यहां दे रखा है साइन स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखा है 2 log t, माइनस में दे रखा है 3 sin, इसके ब्रैकेट में दे रखा है 2 log p, log 2 log t +2, what is +2? 2 log t + 2, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, +2.dt, ठीक है, +2.dt इज डिक्रीजिंग nowhere, हां भाई। आप कितने लोगों को थीम समझ में आ जाती है, थीम बस और कुछ नहीं, कुछ कॉपी नहीं करना, क्वेश्चन कॉपी कर लेना, थीम समझ लेते, आ जाओ। मेरे को क्या प्रूव करना है, ये फंक्शन कहीं भी डिक्रीजिंग नहीं है, इसका मतलब मैं क्या प्रूव करूंगा कि इसका f(x) पॉजिटिव है, खत्म बात, नहीं आई बात पकड़ में। अगर इसका f(x) पॉजिटिव प्रूव हो गया तो डिक्रीजिंग होगा ही नहीं है, आपको बात पकड़ में, क्या आपको बात पकड़ में आ गई? अब आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं इसका f(x) में क्या खास बात होने वाली है, न्यूटन लेबनीज का प्रयोग होने वाला है। न्यूटन लेबनीज में आप टी की जगह क्या पुट करने वाले हो, अपर लिमिट, ई की पावर कितना, ई की पावर 2x, अगर आप में से किसी को लॉग ई की पावर 2x, लॉग और ये हट गया 2x रह गया, 2x into 2 साइन स्क्वायर 4x, आपको बात समझ में आई? अब आप में से किसी को पता हो साइन स्क्वायर 4x इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो पकड़ लो आप। अच्छा, कब तक आप यहां पे भी दिमाग लगा चुके हो,
ये भी 4x प्लस 2, क्या आपको बात समझ में आ रही है? पूरी कहानी बहुत ही आसान है। और फिर बाहर e की बार 2x की मल्टीप्लाई, याद है फंक्शन में पहले अपर लिमिट फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर लोगे ना, तो आप लिख लो आप इसमें, बस इतना सा लिखना है, ठीक है ना, फॉर प्रूविंग वी विल प्रूव एफ डबल डैश एक्स इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। हाँ भाई मैं अब आपको काम देता हूं बहुत जबरदस्त, जो आप ट्राई कर लेना आज के आज ही। अब आप पहले बता दो क्वेश्चन कितने देने, 15 या 20? संडे भी है ध्यान रखना, आपके पास 2 से 3 बोलो तो 30 तक भी चैप्टर निपटा लो आप। देखो करना क्या क्या है सुना, ठीक है। अच्छा पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा इंटरवल जिसमें कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन से कम रैपिडली इंक्रीज होता है। कितने लोगों को पता है कि ये फंक्शन उस फंक्शन से कम रैपिडली इंक्रीज होता है? कहने का मतलब इसका dy/dx उसके dy/dx से कम है, खत्म बात। इसका dy/dx उसके dy/dx से कम है तभी तो इंक्रीज कम हो रहा है, जिसका dy/dx बड़ा हुआ इंक्रीज ज्यादा होगा। नहीं बात समझ में? हाँ बताइए, पहला कर लोगे। अच्छा दूसरा फंक्शन मॉड का है, सबको पता है मॉडुलस में पहले मॉडुलस के साथ एक पहला काम स्माइल प्लीज है ना, हाँ फिर आपको पता है उसके दो हिस्से करने हैं, उन दो हिस्सों को बराबर लिखना है, प्रॉपर तरीके से लिख लोगे। लिखने के बाद उसका एफ डैश एक्स बिल्कुल बच्चों के तरीके से निकालना है यू बाई वी से, फिर उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना, उसके क्रिटिकल पॉइंट में बहुत ध्यान से सुनना, उसके क्रिटिकल पॉइंट वही होने चाहिए जो आपने बाजू में लिखे, उन्हीं को स्वीकार करना जो आप लिख के आए हो इधर, क्यों? क्योंकि इधर आपने वचन दिया है ये होने पर यह होगा। नहीं आई बात समझ में? आपने मॉडुलस में बोलते हो ना एक्स अगर जीरो से बड़ा तो ये है, एक्स अगर जीरो छोटा तो ये, तो आपका इधर वाला आंसर अगर जीरो छोटा रहा है तो आप उधर वाले को मना कर दोगे, भाई तेरे कारण मैं इसको मना कर रहा हूं, तो नहीं ले रहे क्या? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे धीरे धीरे जमा जमा के करना, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताऊ, कितने लोगों ने आज के क्वेश्चन में एक खतरनाक क्वेश्चन दिया था जिसे मैंने पूरे जीएक्स को नेगेटिव प्रूव कर दिया, कॉनकेविटी डाउन पूरा ग्राफ नीचे। अगर मेरे को किसी भी फंक्शन को नेगेटिव या पॉजिटिव प्रूव करना है तो मेरे को क्या करना चाहिए, समझ में आया? इसका मतलब उस, मेरे को उसका एफडेस एक्स के बारे में पता करना चाहिए और थोड़ा बहुत आइडिया लगाना चाहिए कि उसका एफडेस एक्स कैसा होगा। सुना देखो कैसे, एक सेकेंड, मेरे को सपोज किसी एफ एक्स को पॉजिटिव प्रूव करना है, कैसा प्रूव करना है? पॉजिटिव, मैं क्या चमत्कार करूंगा, इसका एफडेस एक्स निकालूंगा, पॉजिटिव निकालूंगा, फिर क्या करूंगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, जल्दी दे दो, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा, और मैं ये पक्का कर दूंगा कि बीच की किसी जगह एफ एक्स पर जो वैल्यू है वो जीरो पर वैल्यू से बड़ी है, तो मेरे को ये पक्का हो जाएगा एफ एक्स ग्रेटर देन एफ जीरो। आपका अनुभव क्या कहता है कि एफ जीरो अक्सर क्या निकलता है? एफ जीरो निकलता है जीरो, तो यहां पे हो गया एफ एक्स कैसा ग्रेटर देन जीरो, हुआ क्या नहीं हुआ? और कोई भी एफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो तो वो क्या पक्का हो गया? पॉजिटिव। अरे एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो माने फंक्शन कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो फंक्शन को पॉजिटिव प्रूव करने के लिए इंक्रीजिंग पक्का करो और इंक्रीजिंग में उस फंक्शन की वैल्यू एफ जीरो से बड़ी पक्की कर दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोल नहीं रहे यार, बोल लो सही है, सही है। अरे गजब खेल रहे हैं यार आप तो, है ना, आपकी छुट्टी में जोश आ रहा है। देखो सुनो, तो फिर आपको क्या क्या करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, उसके बाद नौवां, नौवे के बाद में ग्यारहवां, बारहवां, हो तो बारहवें पे स्टार लगा देना, नहीं हो तो बारहवें जाए, इतना बड़ा क्वेश्चन अभी आपकी उम्र नहीं करने की है ना, हाँ हो जाए तो ठीक है, क्या बोला बाली उम्र आजकल तो कौन पहनता है बाली हाँ भाई सिर्फ छोरे ही पहनते हैं, नहीं अरे लड़कों ने तो आजकल वो सर्दियों में हुड पहनने चालू कर दिए, घूंघट तो छोरे लगाते हैं आजकल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपसे हो जाएंगे आज, ठीक है। एक्सरसाइज टू में चलेगा, एक्सरसाइज टू में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 हो जाएगा, 6, 7 ये मैं पहले दे चुका हूं आपको, पिछली बार दे चुका हूं, ये सब दे चुका हूं, हो जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद में लेवल टू लिख लो, लेवल टू में 1 2 3 4 1 2 3 4 बस दैट्स इट, हो गया शायद मेरा 12 से ऊपर हो गए है ना, ट्राई कर लेना।